सलमान खान ने घर वालों को बता दिया कि भैया बाहर मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट कौन से है। जी हाँ, सलमान खान ने नाम बता दिया और जिसे सुनकर घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। जी हाँ, खान जाति के लिए सलमान खान ने इस बार कुछ अच्छा किया है, मुनावर के लिए चीज़ें अच्छी हुई है। चलिए गाइस, आपको बताते हैं कि भैया यहाँ पर सलमान खान ने क्या बोला है। दरअसल एक टास्क दिया जाता है, छोटा सा टास्क रहता है, आपको पता है कि वीकेंड के बार पर छोटे मोटे टास्क होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक टास्क रहता है, घर वालों को बोला गया कि भैया आप बताइए कि यहाँ पर आपके हिसाब से बाहर मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो घर वालों को पता है, आपको पता है क्या होता है कि कहीं ना कहीं घर वालों को ऐसा लगता है कि उनके सामने जो जैसा कर रहा है, जो इंटरटेनमेंट कर रहा है, वो उसी हिसाब से ही डिसाइड करते हैं और उन्हें बाहर का तो पता है नहीं। तो ऐसे में सभी डिसाइड करते हैं और उन्हें लगता है कि भैया समर्थ जुरैल बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है, डांस करता है, हंसी मजाक करता है और इसके साथ साथ गुस्सा भी करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि लगता है कहीं ना कहीं समर्थ जुरैल वो भैया इंटरटेन कर रहा है और बाहर मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट होगा। देखो इतना मोस्ट पॉपुलर का तो नहीं पता, लेकिन पसंद किया जा रहा है, चिंटू सबको बाहर पसंद आ रहा है, उसकी सारी चीजें पसंद आ रही है। वो ऐसा कंटेस्टेंट है जिसका इस वक्त जीरो हेटर है ना, जीरो हेटर है और बाहर भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर समर्थ का नाम लेते हैं और इसके साथ साथ ईशा का नाम लेते हैं। ईशा का इसलिए लेते हैं कि भैया इसकी जो लव स्टोरी चल रही है और कहीं ना कहीं अब ये ज्यादा दिख रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि ईशा मालविया हो सकती है और जो समर्थ जुरैल के साथ रहती है तो काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा है इन दोनों का। तो कहीं ना कहीं ईशा मालविया और समर्थ जुरैल ये दोनों कहीं ना कहीं मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट हो सकते हैं बाहर। तो यहां पर सलमान खान सुनते हैं, उसके बाद वो करते हैं खुलासा। जी हाँ, वो घर वालों के सामने बता देते हैं जिसे सुनकर सब शॉक में रह जाते हैं। सबसे पहले वो लेते हैं अभिषेक कुमार का नाम, जिसे सुनकर सभी शॉक है, अभिषेक हो सकता है। बट हाँ, सच में यार देखो जो उन्होंने नाम लिए ना वो बिल्कुल सही लिए, क्योंकि अभिषेक कुमार एकदम से पॉपुलर हुआ है बाहर। मैंने आपको बताया ना वोटिंग ट्रेंड में 3-4 नंबर पे वो रह रहा है, तो एकदम से वो कहीं ना कहीं पॉपुलर हुआ है, काफी लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं और अभी है वो अभिषेक कुमार। उन्होंने बोला अभिषेक कुमार है और इसके साथ उन्होंने खान जाति का नाम लिया है। जी हाँ, खान जाति को हर बार वो ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार खान जाति के लिए कुछ अच्छा किया है जिसे देखकर खान जाति मोटिवेट होने वाली है, खुश हो जाती है और वो बोलती है कि भैया इतने टाइम से सलमान खान मुझे बोल रहे थे, लेकिन अब कुछ अच्छी चीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसे सुनकर घर वाले भी शॉक्ड होते हैं, भैया खान जाति कैसे हो सकती है। लेकिन सच में खान जाति को बाहर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जिसके चलते वो मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट है, सलमान खान ने बोला। एक और नाम लेते हैं मुन्नावर फारूकी। जी हाँ, मुन्नावर का नाम तो सुनते सभी को पता था कि भैया मुन्नावर तो हो ही सकता है बाहर और अब उसके साथ लोग चिपकने लगेंगे, है ना। इन लोगों के साथ, खान जाति के साथ और अभिषेक के साथ, मुन्नावर के साथ अब बाकी घर वाले चिपकने लगेंगे। यहां पर अंकिता लोखंडे भैया अंदर ही अंदर है यार, मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं मतलब पॉपुलर हूं, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब सुपर डुपर हिट हूं बाहर, लेकिन मुझे पॉपुलरिटी में क्यों नहीं रखा गया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, विक्की जैन भी हैरान होते हैं कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं आया, शुवरिया होती है, नील होते हैं, सभी के सभी हैरान होते हैं। तो ऐसे में गाइस ये तीन नाम बताए हैं, मुन्नावर, खान जाति और अभिषेक कुमार, जो बिग बॉस के हिसाब से और सलमान खान के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट है इस वक्त बाहर, वो सीधा नाम बता देते हैं। चलिए गाइस, आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, लेकिन फिलहाल के लिए एलिमिनेशन भी हो चुका है, सना रईस खान हो चुकी है घर से बेघर और इसके साथ साथ ओरा आ चुके हैं जो कि घर में काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और इसके साथ मैं बताऊं तो मुन्नावर के साथ उसकी काफी ज्यादा बन रही है, मुन्नावर के साथ ज्यादा बैठ रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे कंटेस्टेंट है, वो तो कल के एपिसोड में पता लग पाएगा। मिलते हैं कुछ ही देर में गाइज, आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लगातार आपको बिग बॉस 17 की हर एक अपडेट यहीं पर तो दे रहे हैं यार।